महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और उनकी ओर से जलाभिषेक भी किया गया। मंदिरों में महाशिवरात्रि के मौके पर कोरोना संक्रमण से बचने के पर्याप्त उपाय भी किए गए। सभी भक्तों के हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी। कोरोना काल की तरह इस समय भी मुख्य मंदिरों में फूल माला नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है, लेकिन शिवालयों में जलाभिषेक को अनुमति दी गई। बदायूं, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट, बुलंदशहर, बाराबंकी, बहराइच और अयोध्या की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, उसकी तस्वीर आपके सामने। एक अलग ही उमंग, उत्साह और जोश श्रद्धालुओं में आज देखा गया। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिव के भक्त मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। कुंभ के पहले शाही स्नान के दिन भक्तों का तांता लग गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महादेव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करने पहुंचे। राजधानी लखनऊ में हर साल की तरह इस बार भी परंपरागत तरीके से शिव की बारात निकाली गई, जिसमें शिव भक्त ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भोले बाबा के रंग में डूबे नजर आए, जिसमें घोड़े हाथी भी शामिल रहे। शिव बारात में किसी प्रकार की कोई हुड़दंग ना हो, इसके चलते पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। शिव बारातियों का स्वागत लखनऊ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किया। ये जो शिव बारात है, ये हमारे यहाँ सन 84 से बाबा सरबला जी हैं, वो उन्होंने ये प्रारंभ करा, इस बारात को यात्रा शुरू करी सन 84 से, जो कि पिछले 38 लगभग 36 सालों से चली आ रही है। इस बारात को उनकी देहांत के बाद उनके बेटे आशीष सरबला आज पुनः महाशिवरात्रि के अवसर पर लेकर आ रहे हैं। हम लोग हमेशा ही यहाँ पार्वती जी का और शिव जी का विवाह संपन्न कराते हैं अपने यहाँ मंदिर पे। इसका एक गंगा जमुना तहजीब का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ सारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई अपने जाति धर्म को छोड़ते को किनारे रखते हुए इस प्रथा को हमेशा से एक साथ मिलके पूरा करते आए हैं। और हम लोग और चलिए अब रुक करेंगे दूसरी खबरों का। लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह और उसके साथी की हत्या में साजिशकर्ता पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को प्रयागराज की नैनी सेंटर जेल में जान का खतरा लगने लगा है, जिसके बाद धनंजय सिंह की अर्जी पर उसको फरुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे बाहुबली को अब फतेहगढ़ जेल में माफिया वाराणसी के सुभाष ठाकुर और मुन्ना बजरंगी की बागपत जिला जेल में हत्या के आरोपित सुनील राठी के साथ रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के जरिए बीजेपी 2000 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। पंचायत चुनाव के लिए जिला और मंडल स्तर के बाद बीजेपी प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर संपर्क अभियान की शुरुआत लखनऊ के गौसाईगंज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की। आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और पार्टी के बड़े नेता गांव गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। योगी सरकार सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर सख्त हो गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट भी तलब की गई है, जिसमें जिले के अधिकारियों को यह बताना होगा कि आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक अतिक्रमण से खाली करवाया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसके चलते रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों के बीच में महापंचायत के लिए वो पहुंचे। गाजियाबाद में किसान महापंचायत में पहुंचने पर जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत भी किया गया। उनके आगमन पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।
जबकि किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर उद्यम कर बरसे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज संभल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हम छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुरादाबाद में पार्टी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, सभी नेतागण उसमें मौजूद हैं और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि बीजेपी से कैसे लड़ा जाए। आने वाले समय में यूपी में छोटे दलों के साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी का ट्रेनिंग कैंप है और मुरादाबाद में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल की सभी विधानसभाओं के सभी नेता कार्यकर्ता वहां शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या हो और पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, उसके लिए बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर करके एक रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं। बरेली पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है, प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, सरकार ने पुलिस को पॉलिटिकल पार्टी को परेशान करने के लिए रखा है। उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि ये शुभ संकेत आ रहा है कि पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री, अब आप सोचें, अगला नंबर आपका है। आगे बढ़ाया उसको आसत पूरी नहीं है, ये कम से कम बीजेपी वाले बताएं कि कौन सी हवाई पट्टी जो उन्होंने खुद बनाई और खुद हवाई जहाज उतार दिया हो। ये दूसरों के काम भी लेट पूरे करके अपना नाम छिपाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। बीजेपी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गोरखपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का भव्य स्वागत किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर राकेश टिकैत ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा है कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा, पूरे देश के किसानों से हमें सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों से सपोर्ट मांगने आया हूँ, साथ ही साथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों से मैं अपील करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसानों को सावधान रहना होगा, वो अपना ट्रैक्टर तैयार रखें, कभी भी सड़कों पर उतरने की योजना बन सकती है। गोरखपुर से तो ट्रेन पकड़ी, बलिया में एक प्रोग्राम था, बड़ी पंचायत थी वहाँ पे और वहाँ पाई और पूर्वांचल में ये पंचायतें शुरू हो गई है। पूरे देश भर में हम जा रहे हैं, जो धरना दिल्ली में चल रहा है उसकी सपोर्ट मांगने यहाँ से आए। ये लोग तैयार रहें, कभी भी इनको दिल्ली आना पड़ सके और जब भी यहाँ पे प्रदर्शन की संयुक्त मोर्चा कॉल करे तो उसके लिए तैयार रहे। MSP का एक बड़ा सवाल देश में है, वो नहीं मिल रही। 3 बिल जो भारत सरकार लेकर आई वो पूर्ण रूप से खराब बिल है, किसानों को नुकसान होगा और बहुत बिल इस तरह के हैं। तो ये सारे इशू हैं और अपने आंदोलनों को और तेज हमको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौशल विकास कपिल देव, उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कमान संभालने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि मोदी सरकार में जो जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को मिली है, मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। आशा है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदारी को बखूबी निष्ठा से निभाएंगे। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास में पूर्ण विश्वास रखती है और इसी के चलते 130 करोड़ देशवासियों के विकास कार्य में निरंतर विकास कार्य करती चली आ रही है। उत्तरांचल में माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी को वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं तीरथ सिंह रावत जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनके नेतृत्व में प्रदेश और अधिक विकास के साथ ऊंचाई के सुपान कुछ हुए और उनकी नियुक्ति के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां सचिवालय के एक संविदा कर्मी विशाल ने सुसाइड नोट में लेडी IPS पर गंभीर आरोप लगाकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की पटरी पर युवक का शव 2 टुकड़ों में बरामद हुआ। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं बेकसूर था, मुझे देह व्यापार के रैकेट में 2017 बैच IPS प्राची सिंह ने फंसाया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सुसाइड नोट में लिखा था कि अपने प्रमोशन के चक्कर में कई निर्दोषों को सजा ना दें, मेरी मौत की जिम्मेदारी लेडी IPS प्राची सिंह है। यूपी के संभल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर शेयर किया है। हालांकि नेहा
नेहानाज उर्फ निशि नाम की इस महिला की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद संभल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उसे एक गलत कदम उठाने से रोक लिया। आपको बता दें कि पीड़िता ने वीडियो में कहा कि अगर वो आत्महत्या करती है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले पूर्व आईएएस और आईपीएस अफसर भी कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। किसानों को इसका लाभ बताने के लिए मैदान में अब उतर गए हैं। सरकार ने बड़े पदों पर रहे अफसर से कहा है कि किसान कृषि कानून को लेकर किसी के भ्रम में ना आए। नए कृषि कानून से किसानों को बड़े लाभ होंगे। सरकार मंडियों को ई नाम से जोड़कर किसानों की आमदनी बढ़ा रही है और इसके साथ ही अफसरों ने कहा है कि किसानों के इस आंदोलन से आम लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्व अधिकारियों ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जो पूर्व आईएएस और आईपीएस हैं वो कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, किसानों को मनाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। आगरा में महाशिवरात्रि के मौके पर ताजमहल में शिव पूजा करने पहुंची हिंदूवादी संगठन की महिला पदाधिकारी और 2 कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसकी सूचना मिलने पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट और जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता ताजगंज थाने पहुंच गए। उन्होंने इस दौरान हर हर महादेव के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी की 12 मार्च से निकलने वाली साइकिल रैली के पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा वो शुक्रवार को प्रस्तावित अधिवेशन में भाग लेंगे। अधिवेशन में भाग लेने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 12 मार्च से रामपुर से शुरू होने जा रहे साइकिल रैली को सफल बनाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं। बलिया भरौली चौराहा पर देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर युवा चेतना ने समारोह का आयोजन किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की मूर्ति पर पुष्पांजलि की। युवा चेतना संयोजक रोहित सिंह ने कहा है कि किसान 105 दिन से अनशन पर है और मोदी सरकार सोई हुई है, किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अमर रहे। आज बलिया के भरौली चौराहे पर देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। स्वामी जी देश में किसानों और मजदूरों को संगठित करने के लिए पूजे जाते हैं और आज भारत में किसान 105 दिनों से अनशन पर है देश की राजधानी के सीमा पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चिंतनशील नहीं है। इसलिए आज स्वामी जी के जयंती पर हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि किसानों के न्याय की लड़ाई में हम किसान भाइयों के साथ हैं।